What does the grass say? Hello friends, welcome once again to Nifty and Bank Nifty analysis from tradingfab.in. सबसे पहले कल के एनालिसिस का रिव्यू करते हैं। कल का वीडियो देखना है अगर आपको तो यहाँ ऊपर आए बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। कल के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 14,719 और ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था 14,528। तो ये 5 मिनट का निफ्टी इंडेक्स का चार्ट आज कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा था। ओपन हुआ निफ्टी इंडेक्स 14,740 जो फर्स्ट टारगेट था इसी के पास ओपन हुआ और एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली फर्स्ट 5 मिनट के कैंडल पे और फिर से एक बार 50 EMA का सपोर्ट टेस्ट करके ये बाउंस बैक हुआ। ब्रेकआउट लेवल को ब्रेक करने के बाद फर्स्ट टारगेट यहाँ पर 14,740 अचीव्ड हुआ। कुछ देर इस लेवल को ये पेनेट्रेट करता रहा। ये लेवल भी ब्रेक होने के बाद सेकेंड टारगेट 14,766 ये भी यहाँ पर अचीव हुआ और तेजी से ऊपर की तरफ बढ़ा और निफ्टी ने लाइफ टाइम हाई लगाया। और जब नीचे आ रहा था तो एग्जैक्ट सेकेंड टारगेट के पास इसने फिर से एक बार सपोर्ट टेस्ट किया। तो आज के प्लान के अकॉर्डिंग अगर ट्रेड करते तो अराउंड 29 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था। 10 लॉट के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 21,750 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था। ये था कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू। कल क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करेंगे। सबसे पहले बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में भी आज सेकंड टारगेट और अचीव हुआ और एग्जैक्ट ऑलमोस्ट इसी लेवल के पास क्लोज हुआ है बैंक निफ्टी में भी। तो कल के लिए क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करेंगे। बैंक निफ्टी का अगर हम डेली चार्ट देखें तो यहाँ पर बैंक निफ्टी में भी ऑल टाइम हाईज लगे हुए हैं, लेकिन अगर कैंडल को देखें तो हैंगिंग मैन जैसा कैंडल बना है। हैंगिंग मैन एक बेयरिश रिवर्सल पैटर्न होता है। सिग्नल मिला है, कन्फर्मेशन नहीं मिला है। हैंगिंग मैन का पैटर्न कंप्लीट होने के लिए यहाँ पर एक रेड कैंडल बनना ज़रूरी होगा। कुछ इस तरह से एक रेड कैंडल यहाँ पर बनेगी और इसका लो ब्रेक होगा ये ग्रीन कैंडल का, तभी यहाँ पर हैंगिंग मैन कैंडल पैटर्न कंप्लीट होगा। तो यहाँ पर अभी एक सिग्नल मिला है बियरिश रिवर्सल का। अगर नीचे आता है ये इस लो को ब्रेक करता है तो यहाँ से हमें करेक्शन आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो कल के लिए बैंक निफ्टी में क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करेंगे। निफ्टी इंडेक्स अगर ऑल टाइम हाई के ऊपर चला जाता है यानी 34,919 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 35,045। ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और सेकंड टारगेट होगा अराउंड 35,161। ये हमारा सेकंड टारगेट होगा और यहाँ पर जो एक दिन पहले यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस फेस किया था ज़बरदस्त, आर्ली चार्ट में आप ये रेड कैंडल देख सकते हैं, यानी 34,504 के नीचे चला जाता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 34,377। ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और सेकंड टारगेट होगा अराउंड 34,250। ये हमारा सेकंड टारगेट होगा। ये बैंक निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स। निफ्टी का डेली चार्ट सबसे पहले देख लेते हैं। निफ्टी में भी एक हैंगिंग मैन जैसा कैंडलस्टिक पैटर्न बना है। अगर ये जो हमने फिर ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रॉ किया था शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन, इसका लो अगर ब्रेक, इसका ट्रेंड लाइन को अगर ये ब्रेक कर देता है और ये हैंगिंग मैन जैसा जो कैंडल बना है इसका लो ब्रेक करके ये ट्रेंड लाइन को अगर ब्रेक कर देगा तो यहाँ से हमें करेक्शन आता हुआ नजर आ सकता है। वी शेप रिकवरी आई है। वी शेप रिकवरी ज़्यादा लॉन्ग अगर देखनी है हमें कंटिन्यू होते हुए तो यहाँ पर एक W पैटर्न बनना होगा, तो यहाँ से अपसाइड मूव हमें कंटिन्यू होते हुए नज़र आ सकती है। ट्रेंड लाइन फिर से एक बार काफ़ी क्रूशियल यहाँ पर सपोर्ट का काम कर सकती है। यह डेली चार्ट का सीनारियो चलते 60 मिनट के चार्ट में इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं दो बार निफ्टी इंडेक्स ने इस लेवल के पास रेजिस्टेंस फेस किया है, तो अभी हो सकता है ये लेवल सपोर्ट का काम करे। तो अभी ये लेवल जो हमारा आज के लिए बन रहा था ब्रेकआउट लेवल, हमारा हो जाएगा ब्रेकडाउन लेवल। तो निफ्टी इंडेक्स अगर ये जो रेजिस्टेंस है ये एज ए सपोर्ट का काम कर सकता है, तो इसको अगर ब्रेक करता है यानी 14,739 के नीचे अगर चला जाता है निफ्टी इंडेक्स कल, तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा अराउंड यहाँ पर 14,719। ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और सेकंड टारगेट होगा अराउंड 14,700। ये हमारा सेकंड टारगेट होगा और ऊपर की तरफ अगर ऑल टाइम हाई लगा लेता है
फिर से एक बार 14,865 के ऊपर चला जाता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं। और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 14,888, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और सेकेंड टारगेट होगा 14,908, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये है निफ्टी के लिए आज के लिए, कल के लिए इंट्राडे लेवल्स। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ ज़रूर जुड़े, वहाँ पर हम इक्विटी ऑप्शंस और बैंक निफ्टी के इंट्राडे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ लाइव मार्केट में शेयर करते हैं, उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेड।